डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हम आज करने वाले हैं और आप मेरे साथी हैं, बने रहें। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस जानने से पहले पहले इम्प्लिसिट फंक्शन समझ लें। तो फॉर्मली इट इज़ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें x और y मिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि y इज इक्वल टू साइन x से प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसमें y किसका फंक्शन है? दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y x का फंक्शन है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू y क्यूब माइनस e टू द पावर y प्लस log y, तो इस केस में कहेंगे कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज इक्वल टू g ऑफ y, y का कोई फंक्शन है। पर अगर दोनों मिक्स हो जाएं, और देखिए कैसे मिक्स हो जाएं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 0 और समथिंग एनी अदर कॉन्स्टेंट, तो ये कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, ये क्लियर नहीं है कि वो x का फंक्शन है या वो y का फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, ये फंक्शन साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें क्लियर नहीं है कौन किसका फंक्शन है, सच फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इसमें इस टाइप के फंक्शंस भी आएंगे, जैसे एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो जिसमें एक्स और वाई आपस में मिक्स होते हैं, जिसमें एक्स और वाई आपस में मिक्स होते हैं, उन सारे फंक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। All such kind of functions are called implicit functions. अब हमें implicit functions के derivative देखना है, तो implicit function का derivative देखना है, तो उसके लिए basic question से start करेंगे, क्योंकि f of x, y equal to c से तो कुछ clear होता नहीं है। तो आपको मान लो कि question किस तरह से हो, कि question होगा आपको कि find dy by dx, आप dy by dx निकालिए। If नंबर वन, आपको पहला क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए दिया आपको पहला क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x, और फिर x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1। अब इसमें देखिए b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y, इनटू यहां पे सबसे खास बात है डेरिवेटिव किसका होगा y का, तो y का डेरिवेटिव होगा d dx ऑफ y। यहां पर क्या था, यहां पर ddx x का था, ddx किसका था, अंदर वाले फंक्शन का, जैसे कहते हैं ना कि पहले चेन रूल में, पहले बाहर के फंक्शन का, फिर अंदर के फंक्शन का, फिर उसके अंदर के फंक्शन का, ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर है तो a बाहर, x स्क्वायर का 2x, फिर कहते हैं x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। पर y स्क्वायर में कैसा होगा, y स्क्वायर में पहले डेरिवेटिव होगा y स्क्वायर का 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोल के जो मैंने कहा वो लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी व्हाट 0। तो इधर देखें, अब ये आ जाएगा आपके पास 2ax ddx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2by dy by dx,
इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो इसको वहाँ भेज दें और इसको अपॉन में भेज देंगे, इस वाली चीज को अपॉन में भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस टू ए एक्स अपॉन टू बी वाई, और आप टू टू को कैंसिल कर दें तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। चेन रूल का जो वीडियो है वो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो ले लो, फोर ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो, और आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करें, डी डी एक्स लिख दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, थ्री ए नहीं है तो थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका भी डी डी एक्स करना हो तो आप लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ वॉट, डी डी एक्स ऑफ जीरो विच विल बी जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का वन हो जाएगा, पहले पावर का फिर पावर के अंदर का, वाई क्यूब का कितना होगा, वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, फिर वाई का भी होगा। तो ये मेरे दोस्तों आप ये बात याद रखो, जब जब वाई का डिफरेंशिएशन होगा, जब जब वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो होगा तो नॉर्मली, जैसे एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का हो जाता है, एक्स क्यूब का जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब लिखा है आपका, तो थ्री नीचे आ जाएगा, फिर कितना होता है एक्स, और पावर में कितना हो जाता है थ्री माइनस वन, तो ये हो जाता है थ्री एक्स स्क्वायर। वैसे ही वाई क्यूब का भी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा वाई क्यूब का आपका, थ्री वाई स्क्वायर फिर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अगर आपके मन में विचार आया कि अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया था थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसके इनटू में डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब, अभी तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 99.99% केसेस में एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है, क्योंकि आपने देखे होंगे सारे क्वेश्चन उसमें लिखा रहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान से देखिए, प्लस, अब प्लस में क्या है आपके पास, थ्री कॉमन ले लें, इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना वन, वाई कांस्टेंट, अभी वाई का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ इसलिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगेगा, एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में जीरो है तो जीरो हो गया। अब इसको ओपन कर ले, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है, ये एक तो डी वाई बाई डी एक्स है और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स ये है, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे लेफ्ट साइड में और इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको भी उधर भेज देंगे, क्योंकि दीज टू टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इनको उधर भेज दें। तो जब आप उधर उनको भेजेंगे तो देखिए क्या होगा,
बिल्कुल आसान है, आप चिंता नहीं करें, मेरे साथ बने रहें, पीछे के भी वीडियोस देख लें अगर आपको कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए। यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 3y² dy/dx प्लस 3x dy/dx, और राइट साइड में आपने जिनको भेजा है वो दो टर्म है, एक तो है माइनस प्लस 3x² जो उधर जाके माइनस 3x², दूसरी है 3y माइनस 3y। आप 3 कॉमन लेके कैंसिल करना चाहते हैं वो कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें से 3y² प्लस 3x dy/dx क्या ले लिया हमने, कॉमन, तो यहाँ और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लें, x² प्लस y, इधर dy/dx आपके पास आएगा माइनस थ्राइस x² प्लस y और होल अपॉन 3 कॉमन लेते हुए y² प्लस x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ये dy/dx सेकेंड क्वेश्चन का है। और मैं आपको और आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बन जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जिसमें थोड़े मिक्स प्रॉब्लम भी हो। देखिए इसके एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाले, वो मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप उनको आगे ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास है साइन ऑफ x (y) = x² - y² और क्वेश्चन वही है, द क्वेश्चन इज सेम कि फाइंड dy/dx, उसका ये थर्ड क्वेश्चन है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप थोड़ा स्पीड से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो पहले दोनों साइड dy/dx लगा दें, इधर भी dy/dx और dy/dx इधर भी लगा दें आप, साइन एक्स वाई में, अब आप बताएं साइन ऑफ एक्स वाई का क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स वाई होगा, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर x(y) का होगा, तो x का 1, y कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का कितना हो गया dy/dx, इधर प्रोडक्ट रूल लगा बेटा, यहाँ पे क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा, तो साइन ऑफ एक्स वाई का कॉस ऑफ एक्स वाई, फिर x(y) का प्रोडक्ट, जब साइन के ऊपर हमला हुआ तो कॉस में बदल गया, अंदर वाले को बचा के रखता है वो। अब इधर देखिए x² का 2x माइनस y² का हो जाएगा 2y dy/dx, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, तो y शुरू में लिखना है, ये कॉस के अंदर नहीं जा सकता है ना, ये कॉस ऑफ एक्स वाई है, ये y इसके अंदर नहीं जा सकता, तो x(y² नहीं होगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका x(cos xy dy/dx, 2x - 2y dy/dx। अब हम चाहते हैं कि dy/dx निकालना, तो नेचुरली जो dy/dx की टर्म है उनको एक तरफ ले लो, इसको एक तरफ ले लिया, ये दोनों dy/dx की टर्म्स हैं, इसको उधर भेज दिया, ये क्या चीज़ है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ dy/dx है, तो क्या आने वाला है हमारे पास, जरा देखिए। फिर इसी तरीके से आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखूंगा, अभी आपको लिखूंगा, एक एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। अब देखिए dy/dx की टर्म क्या है हमारे पास, एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई dy/dx प्लस 2y dy/dx, ये आ गया = जो dy/dx की नहीं है वो है एक 2x, और वहां से हम ट्रांसफर करके लाए हैं उसको माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन,
एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए इसको नीचे भेज दें। जब आप इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस टू वाई। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो डी वाई बाई डी एक्स पे बेस्ड है और इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पलर टाइप का क्वेश्चन देखो आप बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 4 और ये थोड़ा अलग है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं फाइंड करना, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई टू एच एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट। इसमें प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा है देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको डी एक्स बाई डी वाई भी निकालने को मिल जाएगा। जो मैंने कहा था 99% केसेस में डी वाई बाई डी एक्स होता है, पर इसमें डी एक्स बाई डी वाई भी आपको निकालने को मिलेगा। तो आपके पास जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो चलो यहाँ से इसका प्रूफ सॉल्यूशन जो कहें वो मंजूर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई टू एच एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दो चीज़ें हैं, एक बार एक्स को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ए एक्स स्क्वायर का ए तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, ए बाहर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, बी बाहर वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई, फिर वाई का मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू जी एक्स। तो टू जी बाहर कांस्टेंट होने के कारण एक्स का वन, टू एफ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एच एक्स इंटू वाई का एक्स का वन y कांस्टेंट, x कांस्टेंट y का dy वाई बाई डी एक्स प्लस सी का जीरो इज इक्वल टू राइट साइड का। तो नेचुरली वैसे ही जीरो है, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इसको रब कर दिया। अब देखिएगा जो dy वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है, एक तो ये टर्म है dy वाई बाई डी एक्स की, एक टर्म ये है, फिर इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगी, इनको साथ साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों देखिए 2by वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस उसको ओपन कर लें तो आएगा टू एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो डी वाई बाई डी एक्स की नहीं है, जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स की नहीं तो उसको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, इसको उधर भेज दें 2g वाली को तो ये जाएगा माइनस 2g, इसको भी भेज दें तो ये जाएगा 2h इंटू वाई और उधर जाके माइनस 2hy। अब dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन लेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो चिंता की बात नहीं। देखिए तो आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा 2by वाई प्लस टू एफ
प्लस टू एच एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बच रहा है हमारे पास वो लिख देता हूँ मैं, माइनस कॉमन लेके टू ए एक्स प्लस टू जी प्लस टू एच वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, टू कॉमन ले ले आप, ए एक्स प्लस टू जी प्लस एच वाई, सॉरी टू जी भी नहीं आएगा, जी आएगा एच वाई, और होल अपॉन टू कॉमन बी वाई एफ प्लस एच एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको आप नंबर टू दे दें और ये जो गिवन इक्वेशन है इसको नंबर वन दे दें, ठीक है। अब हमें ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, अब डी एक्स बाई डी वाई के लिए क्या करेंगे, तो इसको डी एक्स बाई डी वाई के लिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो देखिए ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, अब आप डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो a एक्स स्क्वायर का 2x, अब x का मैंने कहा था आपको जैसे dx एक्स बाय डी वाई हो जाएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस b y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का y के रिस्पेक्ट में 1, है ना, y का y के रिस्पेक्ट में 1, क्यों, क्योंकि ऐसा होगा डी डी वाई ऑफ y, यहाँ पे क्या हुआ डी डी वाई ऑफ x हुआ। इसी तरीके से 2gx, 2gx का क्या हो जाएगा 2g dx by dy, 2g और d dy of x, तो dx by dy, प्लस 2f y का y के रिस्पेक्ट में 1, प्लस अब यहां पर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, तो ये लिख देता हूं प्रोडक्ट रूल 2h कॉमन ब्रैकेट, x का हो जाएगा dx by dy, y कांस्टेंट, x कांस्टेंट और y का y के रिस्पेक्ट में 1 इज प्लस c का 0 और राइट साइड में ऑलरेडी 0 है तो उसका 0 ही होगा। अब आप इसको इसमें से dx by dy को देखो अंडरलाइन कर दिया, ये एक dx by dy, ये एक dx by dy है और ये एक dx by dy, तो इनको एक साथ ले लें तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2g प्लस टू एच वाई और डी एक्स बाई डी वाई कॉमन, एक स्टेप डायरेक्ट कर दी ताकि वही की वही वापस से मेहनत नहीं पड़े। अब जो बिना उसके हैं डी एक्स बाई डी वाई के, ये भी और ये और ये, इनको भेज दो राइट साइड में, तो राइट साइड में जा कर के हो जाएगा माइनस आपका, ये हो जाएगा माइनस टू बी वाई, ये आपका जाके हो जाएगा माइनस टू एफ और वो जा करके हो जाएगा माइनस टू एच एक्स, और माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए डी एक्स बाई डी वाई कितना आया, डी एक्स बाई डी वाई आया है आपके पास माइनस टू कॉमन बी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स होल अपॉन टू कॉमन ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई। ये टू से ए टू कैंसिल कर दें, इसको नंबर दे दें आप थ्री। आपको प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन, तो क्या करेंगे आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, किसको किसको, सेकेंड और थर्ड को, तो मल्टीप्लाइंग टू एंड थ्री, अब ध्यान से देखिए, अब अगर सेकेंड और थर्ड को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइंग 2 एंड 3, 2 इंटू 3 विल इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 का और यहां पे आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई। ऐसे तो यूं भी दिखता है कि इक्वल टू 1 होगा, पर ऐसे नहीं करना है हमें, हमें प्रूव करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए एक्स प्लस जी
प्लस एच वाई होल अपॉन बी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स इंटू ये माइनस ये वाली वैल्यू बी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स होल अपॉन ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई, ये भी एक्स प्लस जी प्लस एच वाई, ये दोनों कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, और बी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स, बी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स, तो सब कुछ कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू क्या आ गया वन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास वन था। तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ था, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक इसके साथ और क्वेश्चन में आपको बोनस क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा वन प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन का कर दीजिए, साइन का हो जाएगा कॉस और अंदर वाले को कुछ मत करिए, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई फिर एक्स प्लस वाई का करिए, इसी तरह से इसमें भी आपको करना है, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई फिर अंदर का हो जाएगा वन माइनस वॉट डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में इज इक्वल टू वन है तो उस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन कर ले, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दूंगा, आप घर पे करिएगा और आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप खुद से भी ट्राई करें और फीडबैक दे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है आपके पास मालूम ही है आपको कि वो लेफ्ट साइड में रखें और बाकियों को उधर भेज दें, इसको भी उधर भेज दें और इसको भी उधर भेज दें, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उन दोनों टर्म्स को ये जो दोनों एरो बने इनको राइट में भेज दें, तो इक्वल टू के पास उधर राइट साइड में जाके साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस की हो गई और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको नीचे भेजना पड़ेगा, आपको समझ गया होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आपके पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये था आपका डी वाई बाय डी एक्स इस केस में। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आप खुद से ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे लिख दीजिएगा। तो मैं सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू फोर,
इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये आपका आंसर आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स आना है। सेवन, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा साइन ऑफ x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा वाई इंटू वन माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स आप ये प्रूव करिए कॉस ऑफ एक्स बाय वाई इंटू वन बाय वाई माइनस टू एक्स अपॉन माइनस वन बाय वाई एक्स बाय वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स बाय वाई माइनस टू वाई। तो ये दोनों आपको क्वेश्चंस दिए मैंने करने के लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर सिक्स और एक क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसमें आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। पहले साइन ऑफ एक्स बाय वाई का कॉस ऑफ एक्स बाय वाई होगा, फिर एक्स बाय वाई का क्वेश्चन रूल लगा के होगा। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं आप व्हाट्सअप कर दें। दोस्तों के साथ ये सारी बातें शेयर करें, उनको लिखें, उनको समझाएं, उनको बताएं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर करके सब्सक्राइब करें। और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स। और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन आपके लिए आज के लिए इतना ही, और विश यू ऑल द बेस्ट।